नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। मैं अभिजीत और आज की ये जो वीडियो है इसमें बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप दिखाऊंगा गाड़ी में करंट लीकेज चेकिंग करने का। क्योंकि अच्छा वैसे मेरा करंट लीकेज चेकिंग का जो एक्चुअल प्रोसेस है उसके ऊपर वीडियो आपको आई बटन में मिलेगा, बट आज मैं जो दिखाऊंगा ये इस वीडियो में कोई मल्टीमीटर मतलब कोई भी वेपन्स यूज नहीं करेंगे। बस नॉर्मली एक बल्ब टेस्ट लैंप से आपकी गाड़ी में अगर करंट लीकेज होता है या फिर आप चेक करना चाहते हैं गाड़ी की करंट लीकेज, तो बहुत ही इजीली आप ये चेक कर पाएंगे। इसमें मैं सिर्फ एक सिंपली टेस्ट बल्ब यूज़ किया और बाकी अगर गाड़ी में करंट लीकेज होता है तो आप एज ए कस्टमर इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, एटलीस्ट गाड़ी का ये करंट लीकेज कैसे बंद कर सकते हैं, इसी के ऊपर मेरा ये पूरा वीडियो है। क्योंकि विंटर का टाइम है तो काफ़ी गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगा और स्टार्टिंग प्रॉब्लम ड्यू टू बैटरी अगर होता है तो बैटरी क्या कंडीशन चेक करने के साथ साथ अगर गाड़ी का बैटरी ड्रेनेज भी आप नहीं चेक करेंगे तो उस केस में भी गाड़ी में ये प्रॉब्लम होने की चांसेस है। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पहले ही मैं कह देता हूँ ये चालू प्रोसेस है, अगर फिर भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो दिखाते हैं। तो ये आई टेन गाड़ी है और इसमें मेरा करंट लीकेज का इशू है, बैटरी डाउन हो रहा है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने इसको चेक किया और मुझे करंट लीकेज मिला है। आप जब भी गाड़ी में करंट लीकेज चेक करेंगे एक चीज़ आपको हमेशा याद में रखना है कि गाड़ी बिल्कुल प्रॉपरली लॉक होना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जैसे कि लाइट्स ऑन नहीं रहना चाहिए, हर जो चारों डोर है या डिक्की वो प्रॉपरली क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। और इस गाड़ी में मैंने ऑलरेडी ये कंप्लीट करके रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये क्लस्टर मीटर जो है बिल्कुल ऑफ है, चाबी निकाल के बाहर रख दिया मैंने। इसमें मैंने ऑलरेडी चेकिंग किया तो ये सारा जो पार्ट है ये सब कुछ खुला हुआ है, बट मैं आपको ऊपर ऊपर थोड़ा दिखा रहा हूँ। ये चाबी मेरा बाहर है, क्लस्टर मीटर का लाइट ऑफ है, रूफ लैंप ऑफ है, चारों डोर मेरा सेंट्रल लॉक कंडीशन में है, देख सकते हैं आप। ओके, चारों डोर सेंट्रल लॉक है और इस कंडीशन में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कनेक्शन मैंने किया वो कनेक्शन देखिए। आप चाहे मैकेनिक हो या चाहे कोई टेक्नीशियन मतलब कस्टमर हो, आप बहुत ही इजीली इस कनेक्शन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपली टेस्ट लैंप लिया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक टेस्ट लैंप जो टेस्ट बल्ब होता है या फिर जो आप पुश बल्ब कहते हैं हेडलाइट में लगा हुआ रहता है छोटा सा पुश बल्ब, इसकी दोनों पॉइंट में दोनों कनेक्शन कर दिया। ये दोनों कनेक्शन एक बैटरी में आएगा, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल में एक लगेगा और एक बैटरी का पोल में लगेगा। तो मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा बिल्कुल कैसे आपको ये लगाना है ये समझ में आ गया। अब देखिए ये करंट लीकेज ऑफ भी हो गया, ठीक है, अब फिर से हो रहा है। यही गाड़ी में प्रॉब्लम है कि कभी कभी ये बैटरी से करंट ड्रेन आउट कर रहा है और इसके चलते बैटरी ड्रेन होने के लिए स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है गाड़ी में। ओके, ये देखिए फिर ये बंद हो गया, फिर चालू हो गया। तो गाड़ी में मेनली यही प्रॉब्लम है। तो जैसा कि मुझे इस गाड़ी में ये जो प्रॉब्लम मिला है, नॉर्मली क्या होगा ये जो लाइट जल रहा है ये 20 सेकेंड्स के बाद जाके ऑटोमेटिक ये लाइट बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, बट इसमें आप देख सकते हैं कि ये लाइट बिल्कुल अभी भी जल रहा है। ओके, अब सपोज आपको करंट लीकेज मिल गया तो नॉर्मली आपको करना क्या है, जो फ्यूज़ बॉक्स है, नॉर्मली फ्यूज़ बॉक्स में इस तरह का एक फ्यूज़ पुलर आपको मिलेगा, तो ये फ्यूज़ पुलर से मैंने ये थोड़ा इसको चेक करने के लिए पूरा खोला था। तो फ्यूज़ बॉक्स में आपको सबसे पहले एक स्नैप ले लेना है, जो सारा फ्यूज़ है ये प्रॉपर स्नैप लेना है, मतलब फ़ोटो लेना है, ताकि अभी हमको करना क्या है, वन बाई वन इसकी जो फ्यूज़ है वन बाई वन खोलना है और चेक करना है कि इसकी जो करंट लीकेज के लिए लाइट जल रहा है वो लाइट ऑफ हो रहा कि नहीं। बट जब भी हम चेक करेंगे तो डोर बिल्कुल क्लोज कंडीशन में ही होना चाहिए। अब मैं सपोज ये फ्यूज़ खोलता हूँ, कौन सा फ्यूज़ आप खोल रहे हैं वो बाद में चेकिंग होगा, पहले आपको वन बाई वन फ्यूज़ खोलना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जो फ्यूज़ था वो रिमूव कर दिया और इस कंडीशन में चेक करेंगे। अभी डोर जैसे कि मैंने खुला था तो ये लॉक भी होना ज़रूरी है और ये लॉक कंडीशन में आपको चेक करना है। एक
अभी भी देखिए लाइट बिल्कुल ऑन कंडीशन में ही है। फिर से आपको जाना है और सबसे बेस्ट तो यही होगा कि आप अगर 1x1 की जगह मोर देन 2 और 3 करके भी चेक कर सकते, तो 1x1 में आपको आसानी होगा। अब इसके बाद जैसे कि मैंने ये फ्यूज़ खोलने के बाद मुझे ये करंट लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं मिला, तो ये फ्यूज़ आप लगा भी सकते हैं। और अगर आपको लगे कि डाउट, आप इसको नीचे रख के जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये फ्यूज़ को भी हम खोल देंगे। अब इस कंडीशन में एक बार जाके देखना है कि करंट लीकेज मेरा हो रहा कि नहीं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो करंट लीकेज पहले हो रहा था ये बिल्कुल ऑफ हो गया। अभी कनेक्शन मेरा बिल्कुल लगा हुआ ही है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर आप चाहें तो मैं सिर्फ इसकी जो साइड लैंप है ये साइड लैंप ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि कनेक्शन मेरा सेम है, लाइट जल रहा है। अभी मैंने बस साइड लैंप को ऑन कर दिया और अभी ऑफ कर दिया। देखिए अभी भी कनेक्शन इसमें है, ओके, लाइट जल रहा है, अभी भी ये ऑफ हो गया। कनेक्शन बिल्कुल सेम टू सेम है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट आई होप कि आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। तो इसमें अभी मैंने जो सेकंड वाला फ्यूज़ खोला है वो सेकंड फ्यूज़ में इसमें प्रॉब्लम है, और अभी आपको चेक करना है कि सेकंड जो फ्यूज़ खोलने से आपका ये गाड़ी में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है वो कौन सा फ्यूज़ है। जैसा कि मैंने सेकंड वाला खोला था तो पहले रेयर HTD मतलब पीछे जो हीटर रहता है ग्लास में, वो हीटर का फ्यूज़ था, उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। बट अभी भी ये खुला हुआ है, और उसके बाद मैंने डोर लॉक और सनरूफ जो ऑप्शन है ये फ्यूज़ खोला है, तो दोनों फ्यूज़ खोलने में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मुझे अभी करना क्या है, जैसा कि पहले मैंने ये फ्यूज़ खोले थे तो ये फ्यूज़ फिटिंग कर देना है, और उस कंडीशन में मुझे फिर एक बार गाड़ी को बंद करना है और इसको प्रॉपरली अगेन लॉक करना है। ओके, लॉक है। इस कंडीशन में मुझे फिर से एक बार चेक करना है। तो ये अभी देखिए बल्ब बिल्कुल ऑफ है, यहाँ पे कोई भी ब्लिंकिंग नहीं है, और कनेक्शन का तो बिल्कुल भी इशू नहीं है क्योंकि मैंने इसमें ब्लैक टेप से टाइट कर दिया और इसमें ये टाइट कर दिया जो नट है। और अगर आप चाहें तो कनेक्शन चेक करना, फिर से मैं इसकी जो साइड लैंप है, ये हेडलाइट की जो साइड लैंप है, इसको एक बार ऑन करता हूँ। देखिए लाइट जल रहा है, और इसको मैंने जैसे ही ऑफ किया तो मेरा ये कनेक्शन बिल्कुल ऑफ है। तो आप अभी प्रॉब्लम को बहुत ही छोटे जगह में लेके आए, हल्का सा माइनर ये ऑन हो रहा है लाइट, अभी बिल्कुल ऑफ हो गया, ठीक है। तो अभी मेरा सिर्फ एक ही फ्यूज़ खुला है और वो है सेंट्रल लॉकिंग का फ्यूज़। अभी हमें क्या करना है कि ये जो सेंट्रल लॉकिंग का फ्यूज़ मैंने यहाँ से खोला, और यहाँ पे देखिए हमने डोर सनरूफ जो ये फ्यूज़ है इस फ्यूज़ को सिर्फ खोला है। अभी इस फ्यूज़ को वापस अपनी पोजीशन में लगा देंगे। सॉरी, अब इस फ्यूज़ को हमने वापस अपनी जो पोजीशन है ये पोजीशन में फिट कर दिया। मुझे दोनों फ्यूज़ क्योंकि पता था तो मैंने ये ऊपर का दोनों ही दिखाया। अगर आपको मतलब पता नहीं रहेगा तो आप 1x1 खोलते जाइए, ठीक है। और पहले फ़ोटो उठाना मत भूलिए, नहीं तो बाद में आपको फ्यूज़ लोकेशन में देने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी सेम जैसा कंडीशन था वैसा कर दिया मैंने, डोर लॉक का फ्यूज़ लगा दिया और दरवाज़ा बिल्कुल मेरा अभी लॉक है। चाबी से करना ज़्यादा बेस्ट है बट मैंने यहाँ से इसको कर दिया लॉक। तो इसमें देखिए ओके, लाइट देखिए अभी जैसा शुरू में मैंने दिखाया ठीक वैसा ही है।
तो आपको अब ये पता चल गया कि करंट लीकेज जो है ये सेंटर लॉक या फिर जो डोर लॉक है उसकी डोर लॉक से हो रहा है। अब इसकी आगे वाला जो पार्ट है, अब मैं आपको जो मेन प्रॉब्लम है वो दिखाऊंगा जो मुझे मिला है। ये नॉइज आपको मिल रहा है अभी, क्योंकि इतना देर मैं बात कर रहा था तो आपको ये नॉइज मैंने कंसंट्रेट होने नहीं दिया। अब देखिए, ओके, अब जैसे ही मेरा गाड़ी बिल्कुल सेंटर लॉक है, इस कंडीशन में मैं सिर्फ इस कपलर को रिमूव किया। ओके, पहले करंट लीकेज आपको दिखाया, अब कपलर को रिमूव किया, नॉइज भी बंद हो गया। और यहाँ पे जो मेरा लाइट जल रहा था, करंट लीकेज हो रहा था, तो ये लाइट भी देखिए बिल्कुल ऑफ है। अब फिर से मैं उसमें सिर्फ कपलर लगा, मतलब फिटिंग कर दूंगा। ये नॉइज स्टार्ट हो गया, देखिए। बस फिटिंग हल्का सा किया, प्रॉपर फिटिंग है। देखिए मेरा ये करंट लीकेज भी चालू है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको अभी क्लियरली जो मैं दिखाने की कोशिश किया और जो समझाने की कोशिश किया है ये आपको मतलब समझ में आए। तो इस गाड़ी का जो सेंटर लॉकिंग का ये जो एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर में ही मेनली प्रॉब्लम था और इसके वजह से गाड़ी से ये करंट लीकेज हो रहा था। तो इस केस में मुझे इसकी जो एक्चुएटर, ये कंप्लीट एक्चुएटर को चेंज करना ही बेस्ट होगा। दोस्तों, आई होप कि आपको आज का मेरा ये जो वीडियो है, थोड़ा सा चालू प्रोसेस लगेगा, सब हंस रहा है, बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं थोड़ा अच्छा भी वीडियो बनाता हूँ। बस थैंक यू।